देखिए, हरियाणा दिवस के उपलक्ष्य पर आज राजभवन में जो है वो रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन जो है वो राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय की तरफ से किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में मुख्य तौर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल जो है वो भी शिरकत करेंगे और साथ ही साथ राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय की धर्मपत्नी जो है वो भी इस कार्यक्रम में जो है वो शामिल होंगी। तो जाहिर तौर पर हरियाणा दिवस के उपलक्ष्य पर जो है वो रंगारंग कार्यक्रम जो है वो हर साल जो है वो राजभवन के अंदर जो है वो किए जाते हैं, उसी तर्ज पर इस बार भी जो है वो रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम जो है वो राजभवन में आयोजित किया जाएंगे। जी बिल्कुल, और देखिए हर साल ये कार्यक्रम होता है लेकिन इस बार के कार्यक्रम में क्या कुछ अलग रहने वाला है रवि? देखिए, इस बार के कार्यक्रम में हमेशा की तरह जिस तरीके के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का जो आयोजन किया जाता है उनको जो है वो प्रदर्शित किया जाएगा। साथ ही साथ यदि हम जिक्र करें तो इस बार के कार्यक्रम में हर बार की तरह जो सरकार की जो जनकल्याणकारी नीतियां हैं उनसे जो लोग लाभार्थी हुए हैं उनका भी जो है वो एक तरीके से जो है वो उनको जो है वो संबोधित जो है वो मुख्यमंत्री जो है वो करते हुए नजर आएंगे। और साथ ही साथ अब तक के 58 साल के इस पूरे के पूरे हरियाणा दिवस के उपलक्ष्य पर जो है जो मुख्यमंत्री रहे हैं, चाहे अभिन्न भिन्न राजनीतिक दलों से जो मुख्यमंत्री रहे हैं उनके इस अभूतपूर्व कार्य को जो है वो सराहा जाएगा। जी बिल्कुल, और देखिए 58 साल और ऐसे में कई उपलब्धियां हरियाणा के नाम भी रही है और कल देखिए नेशनल अवार्ड भी हरियाणा को मिला है। ऐसे में अगर इन 58 सालों की बात करें तो हरियाणा किस तरीके से आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है रवि? देखिए, हरियाणा जो है वो लगातार अगर हम जिक्र करें तो जब हरियाणा जो है वो पंजाब से अलग हुआ था उस समय का हरियाणा और आज के हरियाणा में जो है वो काफ़ी फ़र्क जो है वो महसूस देखने को भी मिलता है और आप महसूस भी कर पाएंगे। जो पंजाब के जो आज के हालात हैं और हरियाणा के जो आज के हालात हैं, दोनों ही हालातों में जो है वो ज़मीन आसमान का जो है वो अंतर देखने को मिलेगा। हरियाणा के अंदर न सिर्फ किसान बल्कि जो उद्योगपति हैं वो भी लगातार अपने उद्योगों को जो है वो इस्टेब्लिश कर रहे हैं। लगातार हरियाणा के खिलाड़ी जो हैं वो देश विदेश में भारत का नाम जो है वो रोशन कर रहे हैं, तो तमाम तरीके की उपलब्धियां हैं। साथ ही साथ यदि हम सरकार का जिक्र करें तो मौजूदा समय में जिस तरीके से जनकल्याणकारी नीतियां जो सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं, तमाम नीतियों के अंदर जो है वो पारदर्शिता लाने की कोशिश की जा रही है, करप्शन को पूरे तरीके से हटाने की मुहिम जो है वो सरकार की तरफ से शुरू की जा चुकी है, तो इन तमाम चीज़ों को जो है वो उसका एक अच्छा खासा इम्पैक्ट जो है वो देखने को मिला है। ना सिर्फ इस सरकार में, यदि हम बीते वर्षों का जिक्र करें, 1966 से लेकर अब तक का जिक्र करें, तो तमाम मुख्यमंत्री द्वारा जो है वो चाहे विभिन्न राजनीतिक दलों के रहे हों उनके द्वारा जो है वो सराहनीय कदम जो है वो उठाए गए हैं, उसी का नतीजा है कि आज हरियाणा जो है वो पंजाब के मुकाबले काफ़ी एक विकसित विकासशील राज्य जो है वो बन चुका है।